गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इट्स योर स्टडी टाइम। आर यू रेडी? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो इंग्लिश में आज देखिए, ये बुक में मैं आज नहीं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग का अभी मैं रिवीजन वर्क करा रही हूँ। अभी आप लोग को ये कॉपी में, ये इंग्लिश की कॉपी है, ये कॉपी में मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 20 तारीख से आप लोग का टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट में आप लोग को कैसे क्या लिखना है ये मैं बताऊंगी। तो आज पहले मैं रिवीजन वर्क आप लोग को करा रही हूँ। ठीक है, आप लोग को कल मैं A to M 4 टाइम्स लेटर लिखने के लिए बताई थी, और आज देखिए आप लोग को राइट द मिसिंग लेटर, ये मिसिंग लेटर मैं बताऊंगी। फिर यहाँ व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिफोर, ये इसलिए आप लोग को रिवीजन वर्क के थ्रू मैं बता रही हूँ कि आप लोग का जब इंग्लिश का टेस्ट होगा तो टेस्ट में आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा लिखने के लिए। ओके चिल्ड्रन, आपको कॉपी में लिखना है। तो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, जो भी लेटर मैं आपको बताऊंगी उसी लेटर के अंदर ही आपको टेस्ट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज मैं आप लोग को सिखा रही हूँ राइट द मिसिंग लेटर। राइट द मिसिंग लेटर का मतलब है बच्चों कि जो लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो लेटर मिस है, जो नहीं लिखा हुआ है, उस लेटर को आपको कॉपी में लिखना है। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आप राइट द मिसिंग लेटर अगर आपको मैं दूंगी तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं इस तरह से लिखी हूँ, आप लोग को भी अपनी कॉपी में इस तरह से लिख करके और टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसीलिए ये सारा चीज़ मैं रिवीजन वर्क करा के आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको कॉपी में कैसे लिखना है तो ये मैं रिवीजन वर्क के थ्रू आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, राइट द मिसिंग लेटर, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहाँ कौन सा लेटर मिस है? बी लेटर। फिर यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा लेटर नहीं है? तो डी। यहाँ ई। ओके, फिर यहाँ कौन सा लेटर लिखना होगा? एफ। यहाँ जी। यहाँ पर कौन सा लेटर नहीं लिखा हुआ है? एच। यहाँ आई। यहाँ पर जे। यहाँ के लिखा हुआ है, यहाँ एल। ठीक है, और फिर यहाँ एम लिखा हुआ है। तो इस तरह बच्चों, जो लेटर आपको यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो लेटर आपको कॉपी में लिखना है, इसी को कहा जाता है मिसिंग लेटर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आप मिसिंग लेटर या आफ्टर, बिफोर, जो भी मैं बता रही हूँ इसको समझेंगे, क्योंकि आपको टेस्ट अब देना है। तो टेस्ट के लिए मैं आपको ये प्रिपेयर करा रही हूँ, और इसी तरह से रिवीजन वर्क के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। आपका पीरियोडिक टेस्ट में जो लेटर आने वाला है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर चुकी हूँ। ठीक है, आप उसी लेटर को बार बार लिखिए, उसी लेटर के अंदर ही मैं आफ्टर, बिफोर, बिटवीन भी आपको दूंगी। अंडरस्टैंड? और ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ लिखी हूँ ए बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ कौन सा लेटर नहीं है, मिस है? तो यहाँ सी, डी, ई। ठीक है, यहाँ एफ और जी लिखा हुआ है, तो यहाँ एच, आई, जे। ठीक है, यहाँ के लिखा हुआ है, एल, एम। तो ये आपका हो गया, आप A to M पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं अभी उसी लेटर के अंदर ही आपको आज मिसिंग लेटर बता रही हूँ। ठीक है, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और कैसे लिखना है ये भी बच्चों को आएगा। आपको जब मैं होमवर्क दूंगी तो आप बिल्कुल लेटर को लर्न कीजिएगा, लर्न करेंगे तभी आप ये सारा चीज़ लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। 10 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों पढ़ना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आज शुरू करती हूँ।
ओके, तो यहाँ देखिए स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ लेटर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको बी लेटर लिखना है। बी, बी लेटर यहाँ पर मिस है, तो यहाँ लेटर आपको बी, एकदम ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मिसिंग लेटर आपको मैं बता रही हूँ, और आप लाइन को टच करते हुए लिखिएगा ये बी। फिर यहाँ देखिए मैं सी लिखी हूँ, ठीक है, और इसके बाद कौन सा लेटर यहाँ होगा, डी। तो यहाँ पर डी देखिए मैं लिख करके बता रही हूँ, यहाँ पर आपको डी लिखना है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका मिसिंग लेटर लिखने के लिए यहाँ अंडरलाइन है। ओके, यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है, उसके बाद आप कौन सा लेटर लिखेंगे, एफ। तो यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइन जो है ये यहाँ पर एफ लेटर होगा। यहाँ इस तरह से आप लेटर एफ लिखेंगे, लाइन को टच करते हुए आप लिखिएगा, ठीक है, एफ। ओके ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पर जी लेटर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर जो लेटर मिसिंग है वो क्या होगा, एच, है ना, यहाँ मिसिंग लेटर जो है ये होगा एच। आपको जब मैं इस तरह से लिखने के लिए दूंगी तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लेटर नहीं लिखा हुआ है उसको लिखना है, ये मिसिंग लेटर मतलब ही है कि जो लेटर यहाँ पर मिस है, नहीं लिखा हुआ है, उसको लिखना है। तो यहाँ एच, ठीक है, यहाँ देखिए आई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे। देखिए लाइन को भी टच करके लिखना है, जे। ओके, अब यहाँ देखिए के लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल। और फिर यहाँ पर एम लेटर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका राइट द मिसिंग लेटर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी मैं कुछ लेटर लिखी हूँ, ये इस तरह से आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि जो लेटर नहीं लिखा हुआ है उस लेटर को लिखना है। तो ये आपको कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, ये मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, तो फिर कौन सा लेटर यहाँ नहीं लिखा हुआ है बी के बाद, क्या होगा, सी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मिसिंग लेटर में यहाँ लिखेंगे सी। सी, इसके बाद फिर यहाँ नहीं लिखा हुआ लेटर, तो यहाँ पर क्या होगा, डी। ये आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से आएगा लिखने के लिए, इसीलिए मैं रिवीजन वर्क भी करा रही हूँ और आपको समझा भी रही हूँ कि आप समझ जाइए। यहाँ पर हो गया डी, लाइन को भी टच करते हुए लिखना है। फिर यहाँ अंडरलाइन है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, ई, यहाँ लिखेंगे ई। इस तरह से देखिए आपको लाइन फॉलो करना है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको रिवीजन वर्क के थ्रू मैं लाइन भी फॉलो करने के लिए बता रही हूँ कि आप लाइन को भी देखिए कि इस तरह से लाइन में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है, तो वो कौन सा लेटर होगा, जी के बाद क्या होता है, एच। तो यहाँ आप लिखेंगे एच। इस तरह से आप अपनी कॉपी में मिसिंग लेटर
पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एच हो गया, अब एच के बाद यहाँ डैश दिया हुआ है तो कौन सा लेटर होगा? आई। जो लेटर नहीं लिखा हुआ है उसको लिखना है, तो यहाँ आई होगा। यहाँ देखिए इस तरह से आप लिखेंगे आई। इसके बाद डैश दिया हुआ है तो यहाँ कौन सा लेटर मिसिंग है? जे। तो यहाँ पर देखिए जे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से इसको घुमाते हुए लिखेंगे जे। ओके, अब फिर नीचे देखिए क्या है, के लिखा हुआ है ना, के लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो लेटर लिखना हो कौन सा होगा? के बाद एल। यहाँ पर लिखेंगे एल, ठीक है। और फिर यहाँ पर एम, एम यहाँ एम नहीं लिखा हुआ है ना, ऊपर में लिखा हुआ था, यहाँ आपको एम नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको मिसिंग लेटर ए टू एम के अंदर देखिए मैं आज आपको रिवीजन वर्क भी करा रही हूँ और ये बता भी रही हूँ बच्चों कि मिसिंग लेटर में आपको कैसे लिखना है। तो ए टू एम आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ अभी आपको ए टू एम लेटर मिसिंग लेटर मैं बताई हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो एग्ज़ाम आपको इंग्लिश की कॉपी में ही देना है और कॉपी में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप समझेंगे और उसके आंसर इसी तरह लिखेंगे। इसीलिए आज मैं मिसिंग लेटर आपको बता रही हूँ कि जब आपको दिया जाएगा तो आपको कैसे लिखना है कॉपी में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब मैं बताई हूँ, जो भी लेटर है उसके बाद वाले लेटर लिखना, ये आफ्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ए लिखा हुआ है तो ए के बाद कौन सा लेटर होगा? बी, है ना, ये आफ्टर, ए आफ्टर बी हो गया। यहाँ सी, सी आफ्टर डी, ई, ई आफ्टर एफ, जी, जी आफ्टर एच, आई, आई आफ्टर जे, के आफ्टर एल, है ना। तो ये आपको जो लेटर दिया हुआ है उस लेटर के बाद वाले लेटर को लिखना है, इसको बोलते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? जो लेटर लिखा हुआ है उसके बाद वाले लेटर को लिखेंगे, ये आफ्टर होगा। ओके, तो देखिए मैं लिख करके बता रही हूँ, जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है तो ए के बाद कौन सा लेटर होगा बच्चों? बी लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? बी लेटर। ओके, मैं लिख करके बता रही हूँ आपको, ए आफ्टर बी, ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी लेटर, ए आफ्टर बी। यहाँ पर बी लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, सी आफ्टर डी, सी के बाद कौन सा लेटर लिखेंगे? डी लेटर, तो सी आफ्टर डी, सी के बाद डी लेटर आता है, सी आफ्टर डी। आफ्टर मीन्स है जो लेटर लिखा हुआ है उसके बाद वाले लेटर को लिखना। ओके, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? ई, तो ई आफ्टर एफ, यहाँ पर लिखेंगे एफ। यहाँ पर हो गया आपका एफ, ई आफ्टर एफ। ओके, जी नीचे, जी, जी आफ्टर एच, जी आफ्टर एच, तो जी आफ्टर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एच, जी आफ्टर एच।
ओके, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है आई, है ना, आई आफ्टर क्या होगा बताइए, जे, आई आफ्टर जे, आई के बाद कौन सा लेटर आता है, जे लेटर, तो देखिए यहाँ पर जे लिखेंगे, ठीक है। हम नीचे के आफ्टर एल, यहाँ पर एल लिखेंगे, इस तरह से आप एल लेटर यहाँ पर लिखेंगे लाइन को टच करते हुए, तो ये आपको के हो गया, ये आपका हुआ व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, जो लेटर लिखा हुआ है उसके बाद वाले लेटर को लिखेंगे आफ्टर। ये दिमाग में बैठाना होगा कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है और बिटवीन का मतलब क्या होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर ये रिवीजन वर्क में बता रही हूँ, इसलिए कि आपको टेस्ट देना है, पीरियोडिक टेस्ट 10 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स में आपको ये सारा चीज़ आएगा लिखने के लिए, आफ्टर बिफोर बिटवीन, तो ये मैं देखिए बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखी हूँ व्हाट कम्स बिटवीन, यहाँ पर व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब मैं बता चुकी हूँ पहले भी, बिटवीन का मतलब होता है कि जो दो लेटर लिखा हुआ है उसके बीच वाले लेटर को लिखना, जैसे यहाँ ए और सी लिखा हुआ है तो ए और सी के बीच वाले लेटर क्या होगा, बी, ठीक है, तो ये आपका बिटवीन हो गया। यहाँ पर डी और एफ लिखा हुआ है तो यहाँ बिटवीन में क्या लिखेंगे, ई, ओके, या जी और आई लिखा हुआ है तो इसके बिटवीन क्या होगा, एच, ठीक है, और यहाँ पर आपको जे और एल लिखा हुआ है तो जे के एल, ठीक है, तो ये आपका व्हाट कम्स बिटवीन, अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ भी मैं लिख के बता रही हूँ, ए और सी, ए और सी के बीच में कौन सा लेटर लिखेंगे, बी लेटर, तो ये आपका बिटवीन हो गया, जो लेटर लिख रहे हैं ये आपका बिटवीन हो गया, बी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर डी और एफ लिखा हुआ है तो बीच में बिटवीन लेटर क्या होगा, ई, डी ई एफ, ई हो गया आपका बिटवीन, है ना, इस तरह से आपको बिटवीन भी लिखना है, जी और आई, जी और आई के बिटवीन क्या होगा, एच, तो यहाँ बीच में आप लिखेंगे एच, ओके, अब जे और एल के बीच में क्या कौन सा लेटर होगा, के, तो ये के आपका बिटवीन हो गया, ओके, ये व्हाट कम्स बिटवीन, अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है कैसे आपको बिटवीन लिखना है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब है कि जो लेटर लिखा हुआ है उसके पहले वाले लेटर को लिखना, बिफोर का मतलब है जो लेटर लिखा हुआ है उसके पहले वाले लेटर को लिखना, जैसे यहाँ बी लिखा हुआ है तो बी के पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ डी लिखा हुआ है तो डी के पहले सी होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ई होगा, तो इस तरह से आपका ये होगा व्हाट कम्स बिफोर। देखिए मैं लिख करके बता रही हूँ, बिफोर का मतलब है पहले वाले लेटर को लिखना, जो लेटर लिखा हुआ है उसके पहले वाले लेटर को लिखना, तो यहाँ बी लिखा हुआ है तो बी के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ए, तो यहाँ ए लिखेंगे, ये हो गया आपका बिफोर, ओके। अब यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, डी बिफोर सी, ठीक है, यहाँ एफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा बिफोर में, ई, ओके, यहाँ एच लिखा हुआ है तो एच के बिफोर क्या होगा, जी, ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जे लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, आई, ये पहले वाला लेटर लिख रहे हैं, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बिफोर में के, ओके, और यहाँ पर एल लिखा हुआ है तो एल के, एम लिखा हुआ है तो एम के बिफोर क्या होगा, एल, एल एम, है ना, तो यहाँ एम इसके बिफोर हो गया एल, तो ये जो लेटर लिखा हुआ उसके पहले वाले लेटर को लिखना है, ये आपका बिफोर लेटर हो गया, ठीक है, ये आपका बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर, अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, आपको राइट लेटर ए टू एफ लिखा हुआ है, तो ये ए टू एफ लेटर के अंदर ही आपको टेस्ट में मैं दूंगी, आफ्टर बिफोर बिटवीन, ठीक है, इसलिए देखिए ये आपको होमवर्क मैं कर दे रही हूँ कि आप होमवर्क में ए टू एफ लेटर को लिखना सीख जाइए, और बिफोर बिटवीन आफ्टर क्या होता है ये भी आप समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा तो ए टू एफ लेटर के अंदर ही मैं आपका टेस्ट लूँगी, अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, और कैसे आपको टेस्ट में लिखना है मैं रिवीजन वर्क में अभी बता चुकी हूँ, तो आप इसी तरह से लर्न करेंगे, और ये मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप ए टू एफ लेटर को खूब अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, क्योंकि आपको 10 मार्क्स का टेस्ट देना है, टेस्ट में मैं क्वेश्चन जब लिखूँगी तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर आप कॉपी में लिखेंगे, अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है कि कैसे आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट आपको 10 मार्क्स का होगा, ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।